जब ग्राउंड पर मेहनत न के लिए जाकर सुनता था तो कहा था निकली आओ तो कदम आई ना आऊ ना ऐसे ना वैसे वह जवन चढ़ बुराई बतियाओ तुम्हें आँख मुन के जब क्यों बड़े अधिकारी ना बोला आप लोग आँख मुन के आवा मेहनत करा और आप लोग का दौड़ निकली मेहनत सफल हुई। जय हिंद दोस्तों, मैं मोनू यादव वाराणसी डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर रोज की तरह मैं आपको एक वीडियो अपडेट करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, आप तक संदेश पहुँचाने के लिए। आप लोग जान सकते हैं आज मऊ जिला का भर्ती था। आज मुझे लड़कों द्वारा संदेश प्राप्त हुआ है कि आज काफी बच्चे पकड़ रहे, 30 से 35 लड़के पकड़ रहे थे, आप लोग जान सकते हैं। लेकिन हाइट में समस्या बढ़ती जा रही है, 170 के प्लस ले रहे हैं हाइट में। लड़के काफी निराश हताश होकर अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं। हाइट में बहुत काफी लड़के चटे जा रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि डबल मार्कशीट को लेकर इशू है, डबल मार्कशीट वालों को बेहतरीन पीटा जा रहा है, उनको यहाँ से भगा दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे सद्दाम भाई भी आ गए। सद्दाम भाई आप बताइए, जो अग्निवीर भर्ती चल रही बिहारों में, आप लड़कों को क्या संदेश पहुँचाना चाहते हैं, क्या अपने माध्यम संदेश पहुँचाना था कि लड़के यहाँ पे काफी उत्सुक था, काफी निराश होकर भी जा रहे हैं यहाँ से? हम यही कहेंगे कि जिनका भाई का मतलब कि देखी ना जो प्रक्रिया चल रही है उसमें हम ज्यादा क्या बोलें, तो जिन भाई का मतलब इच्छा है कि नहीं हम अग्निवीर में जाएंगे तो मन से मेहनत करें और बाकी तो देखता हुआ ना घर का ना घाट का पूरा एकदम लखीर के मराठ में जैसे फुटबॉल भल। तो भाई अपने मेहनत के ऊपर फोकस करिए, बाकी लोग जो छट गए हैं दुख होने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे बहुत हजारों लड़के बाहर आ गए हैं और जिनका फिट हुआ है अभी तो फिट हो रहे हैं, कुछ भगाए जा रहे हैं तो वो तो अंदर की बात है, बाहर पता नहीं चल रहा है। जब लड़के आ रहे हैं तो पता चल रहा है। हम भी आए थे अपने मतलब एक दोस्त था मऊ का मिलने के लिए, लेकिन अभी वो आया नहीं, उसका इंतजार कर रहे हैं। तो बहुत लड़के बता रहे कि टाइम अच्छा मिल रहा है मतलब कि दौड़ में टाइम अच्छा और लड़के काफी पकड़े जा रहे हैं इसमें नो डाउट। आपको मैं बता रहा हूँ लड़के जो पहले से अफवाह उड़ा रहे हैं कि लड़के 10 पकड़ रहे हैं 12 पकड़ रहे हैं, कोई बात नहीं है। ससुर दौड़िया 20 लड़के 20-25 लड़के पकड़े जा रहे हैं इस बार में। जो लड़का मेहनत अगर किया है रियल में वो लड़का क्वालिफाइड होगा, ये 100% मैं आपसे वादा करता हूँ। ग्राउंड पर मेहनत न के लिए जाकर सुनता था तो कहा दौड़ निकली कदम आई ना आऊ ना ऐसे ना वैसे वह जवन चढ़ बुराई बतियाओ तुम्हें आँख मुन के जब क्यों बड़े अधिकारी ना बोला आप लोग आँख मुन के आवा मेहनत करा और आप लोग का दौड़ निकली मेहनत सफल हुई। सरंगी बजाइया गांव गांव घूम के मेहनत करके हाई स्कूल पास कैले हुआ गांव गांव घूम के साड़ी बेचे बनारसी और ननो को दुख दर्द समझा चार साल ड्यूटिया करा था मेहनत से दौड़ निकालत हुआ के बानर बना देते न घर के न घाट कर दिया न शादी हुई का करिए लड़का वो तो परेशान हुआ दौड़ तो होते हो दौड़ निकल के बाद भगा हो जाते हैं। अरे पहला बैच में कितने लड़के पकड़े थे? 30 लड़के। दूसरे बैच में? दूसरे में 28 थे। मतलब देख लीजिए आपको मैंने क्या इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट बताया, पहले बैच में 30, दूसरे में 28, ऐसे जब लड़के पकड़ रहे मतलब समथिंग 25 से अब लड़के पकड़ रहे आपको बात कम कर देना उसके बाद तो हर बैच में लड़के सेम नहीं पकड़े जाते आपको पता ही होगा, कुछ बैच तो ऐसा होता है जिसमें खाली चला जाता है। अरे गोरखपुर देवरिया में 12 14 पकड़ना ये आपका मूल जिला था दोस्तों। नेक्स्ट जिले के लिए मैं फिर से आपको अपडेट देता रहूंगा।